हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको बताने वाला हूं दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने Redmi के मोबाइल में दोस्तों ऑल ऐप को ऐप ड्राइवर मोड में कैसे यूज़ करोगे। दोस्तों अपने Redmi के मोबाइल में ऑल ऐप को आप ऐप ड्राइवर मोड में यूज़ करना चाहते हो, ऐप ड्राइवर में शो करना चाहते हो, आप कैसे कर सकते हो दोस्तों वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर स्वाइप कर रहे हो तो यहाँ पर आप स्वाइप नहीं कर सकते। और आप डिस्प्ले के दोस्तों जो ऑल ऐप है आप इनको ऐप ड्राइवर मोड में कैसे इनेबल करोगे या कैसे इनको यूज़ करोगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसके दोस्तों आपको अपने फ़ोन में पहले फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो होम स्क्रीन सेटिंग है। तो दोस्तों इस पर क्लिक कर देंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो होम स्क्रीन दिखा रहा है आपको क्लासिक लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देना। दोस्तों यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन दिख जाएगा विद ऐप ड्राइवर मोड सेटिंग, ठीक है। आपको राइट साइड यहाँ पे क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपके ऑल ऐप है यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों आप ये देख सकते हो जो आपका ये होम स्क्रीन लेआउट है, यहाँ पे ये स्टाइल जो है चेंज ऑटोमेटिक है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप स्वाइप करोगे दोस्तों आपके डिस्प्ले में जितने भी ऐप आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन है आप उनको ऐप ड्राइवर मोड के साथ यूज़ कर सकते हो इजीली। यहाँ पर आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पर दोस्तों ऐप ड्राइवर मोड आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों आप इनको होम स्क्रीन पे भी यूज़ कर सकते हो, और ऐसे स्वाइप करके ऐप ड्राइवर मोड में भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगर आप वापस से अपने फ़ोन में क्लासिक मोड को सेट कर लेते हो, जिसकी अगर यहाँ पे आकर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ क्लासिक मोड सेटिंग पे, तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो होम स्क्रीन स्टाइल है ये ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अगर स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले ऑल ऐप को यूज़ नहीं कर सकता अपने ऐप ड्राइवर मोड के अंदर। दोस्तों डिस्प्ले ऑल आइकन अगर आप यूज़ करना चाहते हो डिस्प्ले ऑल ऐप विद ऐप ड्राइवर, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देना। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो होम स्क्रीन स्टाइल फिर से चेंज है, और यहाँ स्वाइप करोगे तो डिस्प्ले ऑल आइकन आपके ऐप ड्राइवर मोड में आ जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप और भी सेटिंग यूज़ भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अपने बैकग्राउंड कलर को सेट कर सकते हो, स्क्रॉल बार को आप अपने फ़ोन में चेंज कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर क्लासिक मोड सेट करते हो तो आप बैकग्राउंड कलर सेटिंग को यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेटिंग रिमूव हो जाएगी। आप राइट क्लिक करोगे तभी यूज़ कर सकते हो ऐप ड्राइवर मोड को, और यहाँ पे क्लासिक मोड को सेट करोगे दोस्तों आपके फ़ोन में जितनी एप्लीकेशन है वो होम स्क्रीन के डिस्प्ले ऑप्शन पे आ जाएगी, मतलब होम स्क्रीन के पेज पे स्वाइप करके यूज़ नहीं कर सकते। और दोस्तों आपको क्लासिक मोड को सेट करना है, क्लासिक मोड सेट कर लो। अगर ऐप ड्राइवर यूज़ करना चाहते हो तो ऐप ड्राइवर पर क्लिक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट हो दोस्तों कमेंट करके पूछ लेना। बाय।